हाँ तो मिश्रा जी, समझ में आया? 10 मिनट का मैंने आप लोगों को ब्रेक दिया था। अजय जी, आपको यदि कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं इस सेशन में आप। तो अभी तक हम लोग क्या जाने? हम लोग जाने कि विवाह कब होता है, विवाह होता क्या है। साथ में हमने जाना कि विवाह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या क्या होते हैं। साथ में उसके अलावा और भी जो हाउसेस है उसका क्या रोल है हमारे विवाह में। साथ में इसके सिग्निफिकेटर कौन से होते हैं, ग्रह होते हैं, वो जाना हमने। फिर हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग ग्रह को जज करें, ये हमारे पॉजिटिव है मैरिज के लिए कि नेगेटिव है मैरिज के लिए। फर्स्ट सेशन में हमने ये सारा चीज देखा था। फिर भी एक बार क्लैप कर लेते हैं हम लोग हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो मैरिज का जो सिग्निफाई हाउस है वो 271 है। 2 क्या बताता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। 7 क्या बताता? मैरिज, स्पॉन्स, पार्टनर। 11 क्या बताता? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, गेन, अर्थात इच्छा पूर्ति, लाभ की पूर्ति। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? मीनिंग देखिए हो गया गेन ऑफ स्पॉन्स इन द फैमिली। उसी प्रकार जो आपको नो मैरिज डिवोर्स का जो हाउसेस सिग्निफिकाई करता है वो हमारे मैरिज का जस्ट 12वां। दूसरा का 12वां कौन सा हो गया? पहला घर। 7वां का 12वां कौन सा हो गया? छठा घर। और 11वां का 12वां कौन सा हो गया? 10वां घर। पहला घर क्या बताता? बिकमिंग सिंगल, मतलब फिर से अकेले होना या शादी में उसको इंटरेस्ट नहीं होना। छठा घर क्या बताता? लॉस ऑफ स्पाउस, मतलब जीवन साथी की हानि या नो पार्टनर कहिए। 10वां घर क्या है? अप्रूवल ऑफ कोर्ट, जब हमारे शादी हो जाती है तो हम लोग के बीच में संबंध अच्छे नहीं बनते हैं तो हम लोग अलग होना चाहते हैं, अलगाव आता है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में क्या होता है? मजिस्ट्रेट मोहर लगाता है कि आप लोग अब अलग रह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है बिकमिंग सिंगल व्हेन द कोर्ट अप्रूव डिवोर्स। अब देखिए उसके अलावा देखिए 3-3, 6 हाउसेस हो गए, बाकी 6 हाउसेस का क्या वर्क है? हमने यहाँ बताया कि 8वां और 12वां घर यदि नेगेटिव हाउस के साथ अर्थात 1, 6, 10 के साथ रहे तो अपना रिजल्ट नेगेटिव देता है। मैंने बता दिया क्या किस प्रकार रिजल्ट वो देगा। यही यदि 8वां और 12वां घर यदि हमारे 2, 7, 11 के साथ आता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। साथ में 5वां और 9वां हाउस वो हमारे शादी के कॉम्बिनेशन के मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, बराती है आपको। उसी प्रकार अब बच गया 2 हाउस, 3रा और 4था, दिस इज द न्यूट्रल्स। ठीक है, अब वीनस इज द नेचुरल सिग्निफिकेशंस ऑफ मैरिज इवेंट। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो मैरिज के कारक है, शादी के वो कारक होते हैं। तो यदि शुक्र यदि हमारा हल्का सा भी कमजोर रहे फिर भी ये शादी आपको करा देगा, ये हमने अभी तक जाना। साथ में हमने जाना कि किस प्रकार ग्रह यदि जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, चाहे वो आपको ग्रह में हो, नक्षत्र में हो, सब लॉर्ड में हो, तो किस प्रकार कैलकुलेशन हमको करना चाहिए, किस प्रकार हम जानेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो ने हमने हमने पिछले सेशन में जाना ये चीज। इसमें हमने 3 रूल भी आपको बताया था। द 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस निगेट हिज सिग्निफिकेंस, राइट। दूसरा हमने बताया था सब लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट। और तीसरा जो मुख्य नियम रूल लॉ बताया था मैंने, दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, और भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरा, जो हमने यहाँ बताया है। अब हम लोग क्या जानना, अब हम लोग को जानना है दोस्तों कि अब हम लोग विवाह का समय कैसे निकालें, हम कैसे प्राप्त जाने कि विवाह का समय कब है, मेरे लिए उपयुक्त समय कब है कि हमें विवाह करनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपको कि विवाह का जो इवेंट है वो वही ग्रह कराएगा जो मैरिज को बताएगा। यदि हमारा जो कोई ग्रह मैरिज को नहीं बता रहा और उसकी यदि दशा आती है तो उस दशा में उस व्यक्ति की विवाह नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले इसमें 3 रूल हमने आपको बताता हूं, 3 चीज देखना। सबसे पहले आपको दशा देखना, क्या दशा मैरिज को बता रही है? यदि नहीं बता रही है तो हमको अगली दशा देखना है।
मान लीजिए कि आपको दशा मैरिज को बता रही है, तब हमें भुक्ति देखना कि भुक्ति भी क्या मैरिज को बता रही है कि नहीं बता रही है। यदि भुक्ति भी मैरिज को बता रही है तब उस पीरियड में दशा भुक्ति में व्यक्ति की जातक की शादी हो जाएगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने कुंडली में देखें, यदि शादी का उम्र कब होता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर 25 साल, हम लोग आज के दौर में 25 से 30 साल के दरमियान सारे माता पिता अपने बच्चों की शादी कर देते हैं या करना चाहते हैं, तो क्या उस पीरियड में यदि हमारी दशा अच्छी आ रही है और आगे 5 साल के बाद मान ली दशा बुरी आ रही है, तो हमें जट से उसकी शादी कर देनी चाहिए। यदि वो समय गुजर जाएगा और बुरी दशा आ जाएगी तो उस दशा में फिर शादी होने की संभावना बहुत कम है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उनकी पत्री को देखें, अपने पति पत्नी दोनों अपने पत्री अपने होरोस्कोप को देखें कि क्या होरोस्कोप अच्छे घर बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। अच्छे घर बता रहे हैं तो ये शादी बची रहेगी, शादी टिकी रहेगी। यदि अच्छे घर नहीं बता रहे, अच्छे ग्रह नहीं बता रहे हैं, 9 में से 4 ग्रह 5 ग्रह यदि हमारे शादी को निगेट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो शादी के बाद हो सकती कि बहुत सारी संभावना आ सकती है, अलगाव तक ये बात जा सकता है, आपको मन मुटाव, लड़ाई झगड़े ये सारा चीज होते रहेंगे। तो काइंडली इसलिए हमारे पुरखों लोग, हमारे पुराने जमाने के हमारे महर्षि लोग कुंडली मिलान एक विषय लाए थे कि जातक जातिका का शादी के पहले कुंडली मिलान होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आज भी ये परंपरा बहुत जगह है जो कुंडली मिला के ही शादी की जाती है। कुंडली मिलाने का यही तात्पर्य है कि हम लोग देखते हैं कि दोनों के जो होरोस्कोप है उसमें जो ग्रह की जो स्थितियां हैं वो अच्छी है कि नहीं अच्छी है। यदि अच्छी है, यदि मैक्सिमम ग्रह हमें अच्छे बता रहे हैं, मतलब न्यूट्रल है या 2/7/11, 2/7/7/11, 2/11 जी बता रहे हैं, और जातिका के भी कुंडली में वही चीज है, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि आप लोग शादी कर लीजिए, इनकी जीवन हैप्पी लाइफ रहेगी। तब हम लोग चलिए जानते हैं, तो हमने यहाँ कुछ नोट्स बनाया है, आप पढ़ भी सकते हैं। शादी के संबंध में किसी भी व्यक्ति की होरोस्कोप में हमें उसके ग्रह को देखना है कि वो हमारे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इससे पता लगाने के बाद अगली बात हमें क्या पता लगाना है दोस्तों, कि विवाह कब होने वाला है। विवाह वही ग्रह करा सकता है जो ग्रह विवाह को बताता है। हमने क्या क्या कदम उठाना चाहिए शादी के पहले अपने पत्री को देखने के लिए। सबसे पहले आप अपने निकटतम जो दशा या जो दशा चल रही है उस दशा को देखें, क्या वो दशा हमारे शादी के लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है। दूसरी बातें हमें देखनी है, हमें भुक्ति को देखनी है कि भुक्ति मेरी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर उसके बाद अंतरा की आती है, वो भी मुझे चेक करना है वो अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही। दोस्तों मान लीजिए हमने बताया था कि जो हमारी जो दशा है क्रम अनुसार चलती है, केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि और बुध। अब उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, वर्तमान में उसकी दशा चल रही है, आपको राहु की दशा चल रही है, शनि की अंतर दशा चल रही है, और मान लीजिए कि बुध की पर्यंतर चल रही है, मतलब राहु की दशा शनि की भुक्ति और बुध के पर्यंतर चल रही है। यदि राहु यदि हमारे विवाह को बता रहा है तो बहुत बढ़िया, तब हमें क्या देखना है, हमें भुक्ति देखना है। भुक्ति कौन है, शनि है। अब शनि के ग्रह को हम लोग आकलन करना है कि क्या वो शादी के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि मान लीजिए कि शनि नेगेटिव है, तब हमें शनि के अगली जो भुक्ति आएगी, शनि के बाद कौन सी भुक्ति आएगी दोस्तों, मिश्रा जी कौन सी आएगी बताइए। हाँ आदम सही बोले, शनि के बाद बुध की भुक्ति आएगी। बुध मान लीजिए पॉजिटिव है,
तब हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो शादी है राहु बुध बुध में हो गया, अर्थात राहु की दशा में बुध की भुक्ति में और बुध की अंतरा में इसकी शादी हो जाएगी। दोस्तों वही मैंने यहां समझाने की कोशिश किया कि मान लीजिए वर्तमान में एक व्यक्ति राहु मंगल शनि की दशा में चल रहा है, राहु क्या हो गया आपको दशा हो गया, मंगल क्या हो गया आपको भुक्ति हो गया, शनि क्या हो गया अंतरा हो गया, और साथ में उसके जो और भी जो ग्रह है सूर्य चंद्रमा शुक्र बृहस्पति और बुध वो भी सहायक है शादी कराने के लिए पॉजिटिव है, जबकि राहु और मंगल विवाह के लिए नकारात्मक है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? मतलब राहु क्या है दशा है, अब दशा विवाह के लिए नकारात्मक है मतलब नेगेटिव है, तब हम राहु के बाद जो भी दशा आएगी गुरु आती है तो गुरु की दशा में हम लोग कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की शादी हो सकती है। विवाह इस मामले में बृहस्पति के मुख समय अवधि में होगा, बृहस्पति के मुख समय अवधि में पहली जो सकारात्मक समय अवधि रहेगी वो बुध की होगी और बुध की ही आपको अंतरा रहेगी, पहली सकारात्मक उप अवधि शुक्र की होगी, इसलिए विवाह बृहस्पति बुध शुक्र के समय अवधि में होगी। अब इस उदाहरण में मान लें सूर्य और चंद्रमा भी पॉजिटिव है, इसलिए यह संभव है कि विवाह शुक्र समय अवधि सूर्य समय अवधि में सगाई और चंद्रमा के समय अवधि में विवाह तय होगा। मान लीजिए कि शुक्र की अवधि में विवाह तय हो गया और सूर्य इस मामले में नकारात्मक है, मान लो विवाह को रद्द करता है, तब क्या होगा? तो सूर्य के बाद जो भुक्ति आएगी कौन सी आती है दोस्तों? चंद्रमा आती है, तो हम चंद्रमा को देखेंगे। इसलिए यदि आप शादी करने के लिए तैयार हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से ग्रह बुरे हैं, किस ग्रह की अवधि बुरी है जो अभी आने वाली है निकट में, यदि वो आने वाली तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप विवाह कर ले। दोस्तों एक बार जब शादी आपकी हो जाती है, आप शादीशुदा हो जाते हैं, तो जो व्यक्ति है जातक जाति का के कुंडली पर निर्भर करती कि उसकी वैवाहिक जीवन कैसी चलेगी। यदि पति या पत्नी के पास एक अच्छा होरोस्कोप अच्छी कुंडली अधिकांशतः ग्रह पॉजिटिव है तो ये तलाक की संभावना को कम करती है और अच्छे जीवन अच्छे वैवाहिक जीवन को बताती है। यदि दोनों की कुंडली में अधिकांशतः ग्रह नेगेटिव है 1/10 बता रहे हैं तो संभावना है कि वैवाहिक जीवन का खराब रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जज करते हैं कि विवाह का समय कैसे निकाला जाता है। जी अच्छा जी, आपका व्हाट्सएप मेरे को मिल गया है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपका जो कुंडली है मैं लगाऊंगा, उसमें देखूंगा कि विवाह का समय कब आता है, तो हमारे दर्शक लोग भी समझ जाएंगे समझ पाएंगे, एक प्रैक्टिकल हो जाएगा उसी के साथ, 2-3 कुंडली मैं उसमें लगाऊंगा। आप लोग यदि दर्शक लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं यदि आप लोगों को भी कोई कुंडली का चेक करवाना है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको अगले सेशन या जब समय मिलेगा किसी न किसी सेशन में जोर डालूंगा। दोस्तों तब फिर से हम 10-15 मिनट का रेस्ट लेना चाहते हैं दोस्तों, तब तक आप लोग इस पर अध्ययन कीजिए और 1-2 कुंडली में लगाए हूं आप उस पर जज कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा क्या आपसे पूछूंगा कैसे कैसे क्या क्या है बताइए हमें, उसके बाद हम 2-3 प्रैक्टिकल करने के बाद हम लोग